बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए परफेक्ट रसगुल्ले की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके रसगुल्ले अक्सर पानी में जाके, शीरे में जाके टूट क्यों जाते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं, कौन से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपको पता हो तो ऐसे शानदार स्पॉन्जी रसगुल्ले आप बना सकते हैं। सभी बातें डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे ढेर सारा मिल्क। अहम बात यह है कि आपने फ्रिज में पड़ा हुआ या कल का पड़ा हुआ मिल्क नहीं लेना, बिल्कुल फ्रेश जो खुला मिल्क आता है वो लेना है, ठीक है। इससे रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ढक्कन रख देंगे और यहाँ पे हम इसको, ताकि ये बहुत जल्द बॉयल हो जाए, तो ये जी बॉयल यहाँ पे आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अच्छा जो डिब्बे का दूध होता है ना, उससे भी ये रेसिपी बन सकती है, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए आपको जो खुला दूध मिलता है ना, वो ही यूज़ करना है। ये है हमारे पास सिरका तकरीबन 1/4 कप। यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। फ्लेम को ऑफ करके आपने ये सिरका इसमें स्लोली ऐड करना है और चम्मच को हिलाते जाना है। देखिएगा चंद ही सेकंड्स में दूध जो है वो फट जाएगा और बहुत ही जल्द पनीर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें आप, ठीक हो गया। फ्लेम को आपने यहाँ पे ऑफ रखना है, नहीं तो ये बिल्कुल दाने दाने बन जाएगा, मोटी डलियां नहीं बनेगी, ठीक है। हमने डलियां बनानी मोटी, जैसे अभी ये बनी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और इसके ऊपर इस सनी को रख देंगे, और साथ ही हमारे पास है ये मलमल का कपड़ा, इजीली आपको कहीं से भी इजीली ये अवेलेबल होता है, ये रख देंगे और इसके ऊपर हम इसको पोर कर देंगे। पानी हम सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, चूंकि हमने इसमें सिरका ऐड किया था तो इसमें खटास होगी, ठीक है, और एक स्मेल सी भी होती है, तो उसके लिए, उसको रिमूव करने के लिए पहले हम इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि जो खट्टा पानी था वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप्स में आ रहा है कि जहाँ पे लोग ये मिस्टेक करते हैं इसकी रेसिपी में, वो बहुत अहम है, ध्यान से देखिएगा। पानी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि खट्टा जो है इसका वो अच्छे से निकल जाए और इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए, ताकि हम इसको हाथ से पकड़ के अच्छे से दबा सके। यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि आपने अच्छी तरह से दबा के इसका कंप्लीट पानी निकाल देना है, ज़ोर से दबाना है, ठीक है। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आप इसको स्टे दे दें, कहीं लटका दें ताकि इसका पानी निकलता रहे और कपड़े के साथ जो भी ये पनीर के टुकड़े हैं उसको निकालें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। ये देख लें, ये बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर नमी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक दाना है, ये दाने हैं, ठीक है। इससे कभी भी रसगुल्ला नहीं बनेगा, ये देख लें। चूंकि आज की रेसिपी में अहम बात यह है कि इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं। इसने आपने इसको क्या करना है, इस तरह से घिसना है अपनी हथेली के साथ। घिसना क्यों है, ताकि इसका दाना खत्म हो जाए और ये क्रीम की तरह स्मूथ हो जाए, ठीक है। ये देखें आप, क्रीम की तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाए। उससे क्या होगा, जब आप इसके बॉल्स बनाएंगे ना तो वो बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे, उसमें क्रैक्स नहीं आपको नजर आएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको अच्छी तरह से बना के, ये देखें विदाउट क्रैक्स ये बन गया है। अब आपने क्या करना है, इन सबको बना के रख लेना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत सी कढ़ाई में 4 कप हम पानी के लेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और 1 कप इसमें चीनी का ऐड कर देंगे। चलें जी, अब खुशबुओं का मामला आ गया, तो यहाँ पे 2 से 3 इलायची डाल देंगे, हरी वाली। ये है रियू क्योड़ा, 2 से 3 टेबलस्पून ड्रॉप्स। इससे क्या होता है, खुशबू बहुत ही शानदार आती है। अब हम क्या करेंगे, इसको चीनी को अच्छे से मेल्ट कर देंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉल्स को इसमें ऐड कर देंगे। आपने इसको जस्ट 8 से 10 मिनट पकाना है, ठीक है। कब तक, जब तक इनका साइज इंक्रीज नहीं हो जाता, ठीक है। तकरीबन 20-30% इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको पकाना है, बहुत तेज फ्लेम पे नहीं पकाना, और बीच बीच में आपने इनको हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से कुक हो सके और इसके अंदर जाली बन सके, ये जो पनीर है ये पक के एक चीज हो सके, ठीक है। तो ये देखें आप, ये तकरीबन यहाँ पे साइज में ऑलमोस्ट 20-30% इंक्रीज हो चुका है, मतलब ये डन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, खूबसूरत से बॉल में ठंडी चाशनी लेनी है, ठीक है। ये गर्म चाशनी नहीं, ये ठंडी थी, मैंने पहले बना के रख ली थी। इसके अंदर इसको ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि इनकी जो बॉडी है वो स्टेबल हो सके, वरना ये बहुत नर्म होते हैं, ये खुल सकते हैं। इसके अंदर आपने इसको कम से कम 5 से 6 घंटे रखना है। फ्रिज में रखते हैं तो वेरी गुड, वैसे भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, तो उसके बाद आपने इनको यूज़ करना है। चलें जी, यहाँ पे वीडियो बन रही है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको दबा के देखते हैं क्या इसने चाशनी को, इसको पिया है कि नहीं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा है, लेकिन इसी दौरान चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और प्यार सा खूबसूरत कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए मैंने इसको दबा के अंदर डाला, इसने फिर से चाशनी जो है उसको पी लिया है, मतलब ये अंदर से बहुत स्पॉन्जी है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। चलिए जी इसको खोल के देखते हैं। ये देखें आप, अंदर से बिल्कुल ये जालीदार है। तो साथ ही आपसे एक बात शेयर करनी थी कि स्नैक वीडियो को ज्वाइन करके आप बहुत से इनामात लाखों के और साथ में कार्स भी जीत सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान है, आपने क्या करना है, स्नैक वीडियो की ऐप आपने प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करनी है, वहाँ पे अपना आईडी बनाना है और वहाँ पे आपका एक कोड जनरेट हो जाएगा जिसको आपने शेयर करना है अपने दोस्तों से। वो उस कोड के थ्रू अगर ऐप को डाउनलोड करेंगे और साइन इन करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे इनामात मिलेंगे। ये कोर्स आप फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी मैसेंजर के थ्रू लोगों से शेयर कर सकते हैं और इससे बहुत सारे इनामात पा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 22 जून 2021। तो अभी से इंस्टॉल करें और बहुत से इनामात जीतें और मुझे भी स्नैक वीडियो पे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।